अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। आज फाइनली एप्पल ने आईफोन 12 लॉन्च कर दिया है, जिस इवेंट का हम सब टेकिस को इंतजार था। आईफोन 12 एज पर रूमर चार इसके वेरिएंट आए हैं, आईफोन 12 स्टैंडर्ड, आईफोन 12 प्रो और आईफोन 12 प्रो मैक्स, और इस बार इन्होंने एक नया मॉडल लॉन्च किया आईफोन 12 मिनी, जो कि सबसे छोटा आईफोन है 5.4 इंच के साथ। अब सब लोग इसके बारे में बातें तो कर रहे हैं, जितने भी टेक कम्युनिटी है, कि जी इसके क्या फीचर्स हैं, क्या है, लेकिन आई वॉज एक्सपेक्टिंग एप्पल 5 कोर फीचर है जो इस बार जरूर एड करेगा। इसमें कुछ ऐसे फीचर जो मैं एंटीसिपेट कर रहा था होने चाहिए थे 2020 में इस फोन में, वो नहीं है, तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। अगर आप आईफोन 12 लेना चाह रहे हैं और आपका मूड है कि आप अपग्रेड करें, तो डेफिनेटली इस वीडियो को एंड तक देखें, इट विल हेल्प यू मेक द राइट डिसीजन। सबसे पहले जो एक फीचर इसमें नहीं है वो है हायर रिफ्रेश रेट। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एटलीस्ट आईफोन 12 में 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट होगा, लेकिन इन्होंने पूरे इवेंट में उसका कोई जिक्र नहीं किया। उन्होंने ये तो बताया कि इन्होंने नई किस्म की स्क्रीन में इन्होंने प्रोटेक्शन दी है, जो कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ग्लास है, बट इन्होंने रिफ्रेश रेट की कोई बात नहीं की। रिफ्रेश रेट जो होता है वो आजकल मिड रेंज डिवाइसेज, ओप्पो का एक नया फोन आया एक्सी, जो कि 40,000-45,000 की रेंज का फोन है, और उसमें उन्होंने 120 हर्ट्ज डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट दिया हुआ है, लेकिन आईफोन में ये चीज नहीं है। जबकि एक तरफ इन्होंने अपनी वीडियो में गेमिंग कैपेबिलिटीज दिखाई कि ये गेमिंग बीस्ट है और पिछली डिवाइस से 50% ज्यादा गेमिंग परफॉर्मेंस देगा, लेकिन रिफ्रेश रेट के बगैर उसका क्या मजा है खेलने का। सो आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस, लेकिन आईफोन 12 के किसी भी मॉडल में, इवन टॉप ऑफ द लाइन मॉडल में भी रिफ्रेश रेट जो है वो नहीं है, 60 हर्ट्ज ही है, विच इज अ बमर। आई वाज एक्सपेक्टिंग अ बेटर वन। अच्छा जी, दूसरा पॉइंट ये है कि इन्होंने रूमर्स आ रहे थे कि ये इस बार चार्जर नहीं देंगे। अब आप एक $700 का फोन जो कि पाकिस्तानी रुपीस में ऑलमोस्ट 150 करीब बनता है, उसमें आपका चार्जर नहीं है, और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जी बाकी लोगों के पास चार्जर पड़ा होगा। मेरे पास S9 प्लस है, मेरे पास पुराना चार्जर है, या जो दो जनरेशन पुराना आईफोन यूजर है उसके पास फास्ट चार्जर नहीं है, तो वो कैसे इस चीज़ को यूटिलाइज करेगा। तो इन्होंने इसमें चार्जर नहीं दिया, इनका लॉजिक ये है कि जी हमने इससे हमारी इन्वायरमेंट पे इफेक्ट कम होगा, पैकेजिंग इन्होंने छोटी कर दी है, बट आई डोंट थिंक इट्स दैट। आई थिंक जस्ट पैसे बनाने का तरीका है, मार्केटिंग गेम है, दे जस्ट वॉन्ट टू टेक मोर मनी आउट ऑफ यू, कि आप $900 या $1,000 $1,100 का भी इनका फ़ोन लेते हैं उसमें अब चार्जर नहीं होगा, और आई थिंक ये एक सही मूव नहीं है, जस्ट मार्केटिंग गेमिंग टू मेक मोर मनी, कि फ़ोन लेते हुए कस्टमर और पैसे खर्च करें, उनका $30 या $50 का चार्जर ले। खासकर अगर मैं हाई एंड फ़ोन की तरफ जाता हूँ कि आप इतने पैसे खर्च करके 2-2.5 लाख का फ़ोन ले रहे हैं और उसमें चार्जर नहीं है और आपको चार्जर लेना पड़ेगा। नेक्स्ट चीज़ ये है कि आपको डब्बे में एक्चुअली कुछ चीज़ दे भी रहे हैं कि नहीं। उसमें ये कि पहले आपके आईफोन के साथ एटलीस्ट आपके वो आते थे ईयरफोन्स, बट वो भी अब नहीं दे रहे, बस आपको साथ में एक केबल देंगे जिसमें एक तरफ इनकी प्रोप्राइटरी लाइटनिंग पोर्ट होगी, दूसरी तरफ टाइप सी पोर्ट होगी केबल के। और ये अज्यूम करें कि आपने आईफोन लिया तो आपके पास डेफिनेटली मैकबुक प्रो होनी चाहिए ताकि उसमें आप लगा के चार्ज करें। मतलब ये है कि अगर आपके पास पहले से टाइप सी केबल वाला चार्जर नहीं है, तो आप इतना महंगा फ़ोन ले रहे हैं तो आपको साथ में चार्जर लेना ही पड़ेगा, वरना आप अपना फ़ोन चार्ज नहीं कर सकते। अच्छा जी, फोर्थ पॉइंट ये है कि एज एन एंड कंज्यूमर आप कोई भी फ़ोन लेते हैं, उसमें एक की एलिमेंट होता है जो आप कंसिडर करते हैं, वो है फ़ोन का बैटरी टाइम, या फ़ोन की बैटरी कैपेसिटी कितनी है, फ़ोन आपका कितना चलेगा। यूजेज पे डिपेंड करता है, मीडियम यूज़र भी होते हैं, मेरी तरह के हैवी यूज़र भी होते हैं, तो मेरे लिए बैटरी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू। पहले होता था कि आईफोन की पिछली लॉन्चेज में ये बैटरी टाइम का कंपैरिजन देते थे पिछली डिवाइस के साथ, या एटलीस्ट बता देते थे कि इतना घंटा स्क्रीन टाइम है, इतना इसका म्यूज़िक चलेगा, इतना यूजेज इसमें कैपेसिटी है। इस बार इन्होंने बिल्कुल भी कोई मेंशन नहीं किया बैटरी का, ठीक है, इनके फाइन प्रिंट में और इनकी वेबसाइट पर लिखा हुआ है, लेकिन इन्होंने खास उसको मेंशन नहीं किया अपनी कीनोट में, और ना बैटरी का साइज बताया नहीं किया। तो अब एज एन एंड कंज्यूमर, अब मुझे नहीं पता कि उसका बैटरी टाइम कैसा है, एटलीस्ट जैसे आईफोन SE जो है बैटरी टाइम का इशू है, उसमें बैटरी बहुत कम है और वो कॉन्स्टेंटली आपको चार्ज करना पड़ता है, उसमें आपका एक दिन नहीं गुजरता। तो इनका जो बेसलाइन मॉडल है जो कि $699 का है, आईफोन 12 मिनी, आई थिंक पाकिस्तान की मार्केट में बहुत ज़्यादा लोग उसमें इंटरेस्टेड होंगे, क्योंकि वो एक फ़ोन है जो कि बजट में फिर भी आ रहा है, और लेकिन अगर उसमें बैटरी उन्होंने छोटी कैपेसिटी डाली और आपको दिन में उसकी तरह चार्ज करना पड़ता है, तो अगेन इट्स एन इशू। सो वो उन्होंने मेंशन नहीं किया, सो अगेन दैट्स अनदर पॉइंट कि इनको मेंशन करना चाहिए था कि यार इसमें बैटरी कितनी है। अच्छा जी, फाइनली जो पॉइंट मुझे अच्छा नहीं लगा वो ये है कि एज अ कॉन्टेंट क्रिएटर हम मोबाइल फ़ोन भी यूज़ करते हैं, और आईफोन इज़ नोन फॉर बेटर सुपीरियर वीडियो रिकॉर्डिंग, जैसे पिक्सल जो है वो पिक्चर क्वालिटी में बेस्ट है एंड मोबाइल फ़ोन। अब इन्होंने ये फीचर दिया है कि आप डॉल्बी विजन में रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, जो कि एक हायर स्टैंडर्ड है रिकॉर्डिंग का, लेकिन उसमें आप अगर
प्रो मॉडल में नहीं है, मतलब आईफोन 12 या 12 मिनी पर है। आप रिकॉर्ड कर सकते हैं लेकिन उसी में फोन के अंदर एडिटिंग नहीं कर सकते। एडिट का फीचर इन्होंने दिया है आईफोन 12 प्रो या आईफोन 12 प्रो मैक्स में। मतलब अगर आप लो एंड की डिवाइस ले रहे हैं, हालांकि चिपसेट सेम है, कैपेबिलिटी सेम है, बट आप वो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। सारी बातों ने कुछ डिस्टिंक्शन तो करनी है, हायर एंड मॉडल में उसको भी बेचना है। दूसरी चीज इसमें सॉफ्टवेयर वाइज ये डिफरेंस है कि इन्होंने एक नया फीचर दिया है जिसको ये कह रहे हैं एप्पल प्रो रॉ। बेसिकली रॉ फुटेज ये होती है कि जब आप उसका वीडियो में या आप पिक्चर में उसको खींचते हैं तो वो ज्यादा इंफॉर्मेशन कैप्चर करता है, उसका फाइल साइज भी बड़ा होता है। लेकिन जब आप पोस्ट में जाकर उसको एडिटिंग करते हैं, उसके लाइटिंग एडजस्टमेंट कर रहे हैं, शेडोज एडजस्ट कर रहे हैं, कंट्रास्ट चेंज कर रहे हैं, कलर करेक्शन कर रहे हैं, तो उसमें वीडियो या पिक्चर की क्वालिटी डिग्रेड नहीं होती। तो ये फीचर इन्होंने सिर्फ प्रो मोबाइल्स पे दिए है, आईफोन 12 प्रो और 12 प्रो मैक्स में। जो आपके स्टैंडर्ड आईफोन 12 या आईफोन 12 मिनी है उनमें इन्होंने फीचर नहीं दिया। अगेन ये सॉफ्टवेयर का फीचर है, चिपसेट दोनों के सेम, सबके सेम है चारों मॉडल्स के, तो आई डोंट नो कि उसमें क्या रिस्ट्रिक्शन है। बट अगेन जैसे इन्होंने आईफोन SE में किया था कि उसमें नाइट मोड नहीं दिया था, तो उसी तरह इन्होंने ये किया है। सारी बात कुछ रिस्ट्रिक्शन रखनी है, तो जी वो प्रो मॉडल में ये है। तो अगर आप वो फीचर अवेल करना चाहते हैं जो कि अच्छा फीचर है, तो आपको ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। आपको एटलीस्ट $1,000 खर्च करके आपको आईफोन 12 प्रो लेना पड़ेगा। नॉर्मल अगर आप लेना चाह रहे हैं उसमें नहीं होगा। दोस्तों ये था मेरे वो 5 फीचर्स जो कि आईफोन 12 में होने चाहिए थे बट नहीं है। अगर आप आईफोन 12 लेना चाह रहे हैं तो क्या ये फीचर इसमें ना होने की वजह से आपका डिसीजन चेंज हो गया, फिर भी आईफोन लेंगे, मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। आईफोन 12 मिनी, आई बिलीव दैट मॉडल विल बी मोस्ट लाइकली हाईएस्ट सोल्ड इन पाकिस्तान, बिकॉज वो काफी लोगों के प्राइस रेंज में आ रहा है। $100 ऊपर देके आप आईफोन 12 ले सकते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ स्क्रीन साइज का फर्क है, बाकी सारे फीचर सेम है, कैमरा एवरीथिंग एल्स। तो अगेन आई थिंक जो बेसलाइन मॉडल है आईफोन 12 मिनी वो काफी ज्यादा अच्छा सेल होगा पाकिस्तान में, और जो लोग आईफोन के फैंस हैं, आईफोन लवर्स हैं, उनके लिए एक बड़ा अच्छा एक ऑप्शन है कि उस रेंज में उनको वो चीज मिल रही है। अगर आप आईफोन की फीचर्स के बारे में डिटेल रिव्यू जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में लिखें और मैं जरूर कोशिश करूंगा कि मैं उसको रिव्यू करूं। और आई एम ट्राइंग टू गेट द लेटेस्ट डिवाइस। आप बताएं आप आईफोन के चारों लाइनअप में से किस डिवाइस का रिव्यू देखना चाहते हैं, तो मैं फिर उसको अरेंज करके उसके लिए भी आपके लिए रिव्यू लेके आऊंगा। लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर आप मेरी वीडियोस देखना चाहते हैं टाइमली। और अगली वीडियो तक के लिए जिब्रान साइनिंग आउट फ्रॉम प्लैनेट जिप्स। अल्लाह हाफिज़।